हेलो नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन को रिंकल फ्री कैसे बनाया जाए, स्किन को टाइट कैसे किया जाए, जो स्किन लटक चुकी है उसका इलाज कैसे किया जाए, और अपनी स्किन जो ड्राई रहती है उसको कैसे फिक्स किया जाए, और अपनी जो स्किन है उसमें एक हल्की ठंडक कैसे पैदा की जाए, जिससे जो स्किन रैशेज हो जाते हैं, स्किन इरिटेट होके उनको कैसे काम डाउन किया जाए, और कैसे अपनी जो स्किन है उसमें यूथफुलनेस को बरकरार रखा जाए। तो इसी क्रम में मैं लेके आई हूँ कुछ औषधीय गुणों वाली एक जड़ी बूटी, जिसका लेप अपने बनाएंगे। और लेप बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी कुछ चीज़ें अपने यूज़ करने वाले हैं, एक दो चीज़ें यूज़ करेंगे लेप बनाने के लिए, और अपने जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे। उसको वीकली अपने ट्वाइस, एक हफ्ते में दो बार यूज़ करने के बाद ही अपनी स्किन पे एक अच्छा प्रभाव, एक अच्छा इफ़ेक्ट, एक अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलने वाला है। तो इस जो वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कैसे मैंने इसको बनाया है और कैसे इसको कितनी देर तक लगाया है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे मौजूद है, उनका फ़ायदा उठाने के लिए आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं इस लेप को। इस लेप को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो लिया है मेन इन्ग्रीडियंट, स्टार इन्ग्रीडियंट जो आज अपना है, वो है जटामांसी पाउडर। जटामांसी पाउडर बहुत सारी औषधीय गुणों वाला है, एक जड़ी बूटी है, प्राचीन काल से, पुराने टाइम से इसका उपयोग बहुत सारी बीमारियों को दूर करने, और अपना जो बालों में, सिर में जो अपने को जिसका सिर दर्द रहता है, उसको डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि आप बालों में जटामांसी पाउडर या जटामांसी ऑयल का उपयोग कीजिए, जिससे आपके जो सिर को आराम मिले, सिर दर्द ना हो, कम से कम हो। और इसका जो उपयोग है मेनली, कोई इसकी जो तासीर है वो ठंडक देने वाली होती है, तो अपने उसी ठंडक का फायदा उठाएंगे। ज़्यादातर जटामांसी ऑयल का उपयोग होता है स्किन केयर में, बहुत सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उनमें जटामांसी ऑयल का प्रयोग किया जाता है, पर आज अपने जो है जटामांसी पाउडर का उपयोग करके एक मास्क बनाएंगे, एक पैक बनाएंगे, और उसको फेस पे लगाएंगे 20 मिनट के लिए, और हफ्ते में ऐसा आपने दो बार करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो लिया वो है जटामांसी पाउडर, और फिर इसके अंदर मैंने ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया है आधा चम्मच हल्दी, कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक, जंगली हल्दी इसको बोल सकते हैं, मैंने उसका उपयोग किया है, और मैं हर फेस पैक में उसी का उपयोग करती हूँ। और तीसरा जो मैंने यहाँ इनको मिक्स करने के लिए उपयोग किया वो है गुलाब जल। गुलाब जल के उपयोग से अपने इसको मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, ये अपने इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर तैरने लगता है जो जटामांसी पाउडर है पानी के ऊपर, तो इसको मिक्स करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है पर हो जाता है। तो इसको अपने मिक्स करके एक ऐसा लेप बना लेंगे, और फिर अपने इसको फेस पे लगाएंगे। इसको मैं फेस पे 20 मिनट के लिए रखूंगी और फिर इसको धो लूंगी। आप भी ऐसे ही इसको उपयोग कीजिए हफ्ते में दो बार, और इसका फायदा उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।